हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्वीट लिटल गार्डन। ये देखिए दोस्तों, आज हम बहुत ही खूबसूरत से प्लांट के बारे में जानकारी लेते हैं। तो ये जो प्लांट है, ये ग्रैप्टोफाइलम पिक्टम का प्लांट है और इसे जो है कॉमनली कैरिकेचर प्लांट भी कहा जाता है, या फिर इसे जो है ट्राई कलर कैरिकेचर प्लांट भी कहा जाता है। बहुत ही ब्यूटीफुल सा दिखने वाला ये जो प्लांट है दोस्तों, बहुत ही हार्डी और परमानेंट प्लांट है। उसी के साथ ये लो केयर और लो मेंटेनेंस भी प्लांट है और ये एक शेमी शेडेड और कलरफुल फॉलिएज प्लांट है। जैसे कि हम कोलियस या अदर कोई जो कलरफुल प्लांट होते हैं उसके लीव्स, तो वैसे भी ये बिल्कुल ही जो है कलरफुल प्लांट है। लेकिन दोस्तों, कोलियस जो है बहुत ही डेलिकेट होते हैं, उनकी केयर करना समर में जो है हार्ड जाता है। लेकिन ये जो प्लांट है ग्रैप्टोफाइलम का प्लांट, ये एक हार्डी प्लांट होने की वजह से जो है दोस्तों, इसकी केयर करना बहुत ही आसान जाता है। इसीलिए ये प्लांट आप ज़रूर लगा दीजिएगा। तो दोस्तों, इस प्लांट में जो है फ्लावरिंग भी होती है और ये देखिए, इसके फ्लावर्स भी जो है बहुत ही खूबसूरत होते हैं और पत्ते भी जो है बहुत ही खूबसूरत होते हैं। नेचर ने जो है दोस्तों, इसके जो फ्लावर्स है वो भी जो है पर्पल कलर के बहुत ही ब्यूटीफुल से बनाए हैं। पत्ते भी देखिए दोस्तों, बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं। सेंटर में पिंकिश या फिर ऑफ वाइट होता है और इसके किनारे जो होते हैं पत्तों के ग्रीन होते हैं। उसी के साथ दोस्तों, और एक एडिशन जो इसमें नेचर ने दिया है वो ये कि उसके जो स्टेम, इसकी जो स्टेम होती है दोस्तों, वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल सी और पर्पलिश पिंकिश कलर की होती है। इसीलिए ये 3-1 इसमें कैरेक्टर जो है आ जाते हैं। तो चलिए जानते हैं इस प्लांट के बारे में और कुछ बातें। तो ये जो प्लांट है दोस्तों, एकेंथेसी फैमिली से बिलोंग करता है। जैसे कि एकेंथेसी फैमिली मतलब अडुलसा की फैमिली जो होती है, उसीलिए इसके फ्लावर्स भी देखिए बिल्कुल ही उसी की तरह दिखते हैं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत होते हैं। ये जो प्लांट है दोस्तों, ये एक विंटर सीजनल प्लांट है लेकिन परमानेंट भी है। मतलब इसमें फ्लावरिंग जो होती है मोस्टली विंटर में ही होती है। सितंबर अक्टूबर से जो है कलियां बनना शुरू होता है और फरवरी मार्च तक ये भी फ्लावरिंग कर सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपके यहाँ का टेम्परेचर मॉडरेट है तो बरसात के सीज़न में अगर हीट कम होती है तब भी इसमें फ्लावरिंग आती ही रहती है। तो इस प्लांट को जो है आप किसी भी तरीके का पॉट दे दीजिएगा, मिट्टी का, प्लास्टिक का, कोई भी पॉट इसे दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आप इसे अगर इस तरीके से जो कॉन्ट्रास्ट पॉट होते हैं वो दे देंगे तो देखने में भी ये बहुत ही अच्छा लगेगा। ये प्लांट जो है दोस्तों, बहुत ही ईजिली कटिंग से ग्रो हो जाता है। इवन इसकी ऊपर की छोटी से छोटी टिप अगर आप लेंगे तो वो भी ग्रो हो जाती है। बरसात के सीज़न में तो बहुत ही जल्दी इसकी टिप लगती है। ये देखिए, कटिंग से तैयार किए गए मेरे ये प्लांट। और भी है लेकिन यहाँ पर सिर्फ मैंने 4 ही प्लांट रखे हैं। ये मदर प्लांट से ही मैंने कलेक्ट किया था। तो इसकी मिट्टी जो है दोस्तों, वेल ड्रेन के साथ थोड़ी मॉइस्ट बनाइएगा। इसीलिए 50% सॉइल, 30% सैंड, राइस हस्क या कोको पीट जो है 30% ले लीजिएगा, और कंपोस्ट जो है इसमें आप कम भी डालेंगे तो भी चलेगा। इवन 10% भी अगर कंपोस्ट डालते हैं तो भी चलेगा। लेकिन याद रखिएगा, कंपोस्ट में ये मोस्टली फॉलिएज प्लांट है, इसीलिए इसको जो है दोस्तों आप नाइट्रोजन रिच कंपोस्ट, जैसे कि काउडंग कंपोस्ट हो या फिर टी कंपोस्ट हो, वो डाल दीजिएगा ताकि इसे जो है अच्छी तरीके से इसकी लीव्स जो है उभर कर आ जाए। लेकिन दोस्तों, जैसे ही इसके फ्लावरिंग का टाइम शुरू होता है सितंबर में, तो आप उसे जो है फ्लावर बूस्टर भी दे सकते हैं। मतलब जो है वर्मी कंपोस्ट, बोन मील, नीम खली या फिर जो कुछ भी आपके पास अवेलेबल है वो दे दीजिएगा। नहीं अवेलेबल है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, सितंबर अक्टूबर से ये अपनी कलियाँ बनना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, इसके जो सनलाइट के बारे में हम सोचेंगे तो सनलाइट, इसे बहुत ही कम सनलाइट लगती है। लो जो है, लो सनलाइट में चलने वाला प्लांट है। सुबह की 1-2 घंटे की, शाम की 1-2 घंटे की धूप चलेगी तो भी चलेगा। लेकिन दोस्तों, समर में ही इसे धूप से बचाना है। बिल्कुल ही शेमी शेड एरिया में आपको इसे जो है रख देना है।
कंपोस्ट भी ज़्यादा नहीं डालना, इसीलिए मुझे ये प्लांट जो है थोड़ा सा ज़्यादा पसंद आता है। उसी के साथ दोस्तों इसमें पानी का जो है आप मेंटेन ही रख दीजिएगा। ज़्यादा पानी होने की वजह से या फिर ज़्यादा सनलाइट या फिर कभी कभार जो है ज़्यादा कंपोस्ट होने की वजह से भी इसकी पत्तियाँ ये देखिए इस तरीके से बर्न होने लगती है। इसकी केयर के बारे में सोचेंगे दोस्तों इसमें जो है कभी कभार एफिड का या फिर मिलीबग का अटैक हो सकता है। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए छोटे छोटे जो है ये एफिड या फिर इस पर जो है इंसेक्ट का अटैक फ्लावर के ऊपर हो सकता है। इसीलिए 15 दिन के अंदर जो है आप इसे कोई भी फर्टिलाइज़र जो स्प्रे है इंसेक्टिसाइड स्प्रे ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों ये प्लांट जो है आप अगर हर हमेशा पिंच करते रहेंगे तो ये बहुत ही बुशी बन जाता है, और अगर आप इसे जो है प्रून करते हैं तो भी ये बुशी बन जाता है। इसीलिए दोस्तों इसे पिंचिंग और प्रूनिंग की बहुत ज़रूरत होती है, तो आप वो कीजिएगा, ये प्लांट डेफिनेटली बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो हो जाएगा। मुझे तो ये प्लांट बहुत पसंद है क्योंकि फूलों की और पत्तों की कमी कभी भी आपके गार्डन में जो है नहीं होगी। कलरफुल फ्लावर होने की वजह से आपके गार्डन में जो है ये कलर ऐड कर देता है। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा, और दोस्तों मेरे चैनल को अगर आप नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।